सबको मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों, हम सब लोग जानते हैं कि पहले आपकी कमिश्नरी का नाम अवध होता था, अवध, और अवध में चार जिले होते थे। जब फैजाबाद इसकी कमिश्नरी हुआ करती थी तो उसके चार जिले उस कमिश्नरी के अंतर्गत आते थे। एक जिला था बाराबंकी, दूसरा जिला था फैजाबाद, तीसरा जिला था सुल्तानपुर, और चौथा जिला था गोंडा, और पांचवा जिला था बहराइच। यानी पांच जिले मिलकर के एक कमिश्नरी बनती थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रशासनिक दृष्टि से भी हमारा आपका संबंध बहुत पुराना है। प्रशासनिक दृष्टि से भी हमारा आपका संबंध बहुत पुराना है। और सरजू के इस पार आप हैं और सरजू के उस पार हम हैं। बाढ़ कैसे आती है आप भी जानते हैं, और बाढ़ में तैरा कैसे जानता है हम भी जानते हैं। भैंस कैसी होती है हम भी जानते हैं, और भैंस कैसी होती है आप भी जानते हैं। केवल नदी का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। भाई, अब आप सब जानते हैं मैं एक सामान्य परिवार में, साधारण परिवार में पैदा हुआ। दुनिया का कोई दुख और कोई सुख ऐसा नहीं है जो मैंने देखा ना हो, और संघर्ष से तो मेरी रिश्तेदारी है। क्योंकि मुझे याद है मैं 16 साल का था और मेरा ही घर गिराया गया। थोड़ा आवाज सुनो, मैं 16 साल का था, मेरा ही घर गिराया गया, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि अपने ही घर गिराए जाने के मुकदमे में मुझे 7 दिन जेल में पहली बार रहने का मौका मिला था। लेकिन बचपन में या बचपन से इस क्षेत्र के कई ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे। सब जानते हैं मैं बचपन में ही और बचपन से ही सभी लोगों से कहता था कि भैया, किसी गरीब को कभी मत सताना, भैया किसी शरीफ को कभी मत सताना, गरीब की बद्दुआ मत लेना, शरीफ का साथ मत लेना। अन्याय करने वाला चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो उससे टकराने में कभी देर न करो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसी ने कहा है आंधियां जहां उमंग नहीं भरती है, सोड़ित के बदले, सोड़ित माने अत्याचार, सोड़ित के बदले अश्रु जहां बहता है, अन्याय की, सोड़ित के बदले अश्रु जहां बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। इसीलिए मेरे भाइयों, मैंने
पहले दिन जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया तो मैंने कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब लोग उस परंपरा से आते हैं, उस अयोध्या को अपना आदर्श मानते हैं, उस राम को अपना आदर्श मानते हैं जिस राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, पलट करके नहीं देखा। हम उस परंपरा से आते हैं, कहते हैं रघुकुल नीत सदा चल आई और प्राण जाए पर वचन में। और मैंने उसी दिन कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये इमोशनल ड्रामा। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आभा में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन पूरी आभा नहीं जानता हूं लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं। यक्कई मुंडल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार, यक्कई मुंडल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार, वाह। लेकिन जब एक बार ढूंढता हूं तो सारी तलवार नाम में बंद हो जाती है। मेरा मानना है भाइयों, मेरा मानना है भाइयों, जब भगवान राम को वनवास हुआ, भरत बहुत विकल हुए, बहुत अधीर हुए कि मेरे कारण भैया को वनवास हो गया, तो गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कहौ मुनि नाथ, हां निलाव जीवन मरण जस अब जस विधिहार। मेरा मानना है मेरे भाइयों, ये आरोप मेरे ऊपर बनता नहीं है, मेरे ऊपर शोभा नहीं देता है, लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है कि भगवान मुझको मध्य बना करके कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा, ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा और इसीलिए मैंने निश्चित किया है आज ये आरोप से न गांव सुरक्षित है, न शहर सुरक्षित है, न विद्यार्थी सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न संत सुरक्षित है, न अधिकारी सुरक्षित है आज इस आरोप से। और ये आरोप एक ऐसा आरोप है कि किसी के ऊपर भी लगा दो तो अपने ही लोग कहने लगते हैं, अरे भैया बिना धुआं के, बिना आग के धुआं नहीं उठा, कुछ ना कुछ तो समझ।
अरे भैया ये कलयुग है कलयुग, कबीर दास की उल्टी वाणी, ये कलयुग है कबीर दास की उल्टी वाणी, अब बरसाई कंबल भीजे पानी, ये कलयुग है, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं परख करके लड़ गया, कब हुआ, कहां हुआ और किसके साथ हुआ, और मेरा तो ये मानना है कि जब अयोध्या में महाराजा दशरथ भगवान राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम को महाराजा दशरथ अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और राम के उत्तराधिकारी बनने पर या बनेंगे सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर कोई था तो कैकेयी थी, क्योंकि कैकेयी सबसे ज्यादा प्यार राम को करती थी, राम को करती थी, रामचरितमानस में भी ये प्रसंग आया है और वाल्मीकि में भी ये प्रसंग आया है। लेकिन उसी समय मंथरा व्याप्त हो जाती है, मंथरा जाकर के कैकेयी के मन को खराब करती है और कैकेयी को याद दिलाती है कि तुम्हारे पास राजा दशरथ का दिया हुआ वरदान है, उन्होंने तुमको दो वचन दे रखे हैं, दो वरदान दे रखे हैं, वो वरदान क्या था मेरे भाइयों, देवासुर संग्राम में देव और असुरों के बीच में संग्राम चल रहा था, उस संग्राम में महाराजा दशरथ घायल हो गए। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।